सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आवर चैनल। तो का हाल बा, आज हम बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में। नाम हुए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, यानी कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट सेंटर पटना के लोकेशन पे है आपका। प्रॉपर पटना में नहीं है, पटना के नजदीक में है आपका बिहटा। बिहटा में कैंपस पड़ता है, यानी बिहार का कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और इसकी बात करूं यार शुरुआत का, तो 2020 में ये कैंपस एमबीबीएस के लिए रिकॉग्नाइज हुआ था, जिसकी रिकॉग्नाइजेशन आपका एनएमसी से मिला था, नेशनल मेडिकल कमीशन से। साथ साथ आपका रिकॉग्नाइज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी है, साथ साथ रिकॉग्नाइज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी है। और इसकी जो डिग्री मिलती है एमबीबीएस का डिग्री मिलता है आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी, जो कि पटना कहते हैं आर्यभट्टा नॉलेज जो यूनिवर्सिटी है आपका बिहार का, उससे आपकी इसकी डिग्री मिलनी है। उसके बात करूं एमबीबीएस का जो यहाँ पर इंटेक है, 100 सीट का यहाँ पर इंटेक है, 100 सीट का इंटेक है यहाँ पर। फी की बात करूं तो फी आपका यहाँ पर 15,50,000 रुपए पर एनम फीस है। अगर बात करें इसमें एडमिशन के लिए जाए, तो एडमिशन के लिए आपको बिहार की जो काउंसलिंग होती है, बिहार एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है नीट की, उस काउंसलिंग के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन होता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पता है कि कुछ परसेंटेज जो सीट है आपका वो मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से भी सीट जाता है। तो देखा जाए तो 2020 में कैंपस स्टार्ट हुआ है और 2021 में जाके यहाँ पर बहुत सारे सीटें फुलफिल हुआ था, मतलब 2021 में लगभग सब सीट फुलफिल हो गया था। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ एक अच्छा कैंपस बना हुआ है। और आप अगर बिहार के अंदर पढ़ना चाहते हो और आपका ये बजट जो है अपना मल्टीप्लाई कर लेना, जोड़ लेना, जबकि अगर बजट इतने तक का है और बिहार में पढ़ना है तो आपका इस कॉलेज को देख सकते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। अब बात करते हैं बेनिफिट का, तो क्या बेनिफिट और क्या बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर जो बिहार से है उनको बिहार में पढ़ने का मौका मिल जाता है। दूसरा अगर बात करूं तो यार बिहार का बहुत मतलब उस एक अच्छे लोकेशन पे है कॉलेज जो भी, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लोकेशन थोड़ा सा कंपेयर इसका लोकेशन बहुत बढ़िया है। और बिना बेनिफिट की बात करो तो एक ही डीमेरिट है इसका कि अभी नया मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, और नया मेडिकल कॉलेज बना हुआ तो तभी कोई भी आपको सीनियर नहीं मिलने वाला है। अभी तो कुछ ही बैच स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो कोई आपको नया सीनियर नहीं मिलने वाला है आपका, जो कि यहाँ से पढ़ के निकल गया है। तो कोई एलुमनाई नहीं है यहाँ से जो पढ़ के निकला हो, नया मेडिकल कॉलेज है। अब बेनिफिट की बात करते हैं तो जो भी आपको यहाँ पर इक्विपमेंट, जो भी आपको लैब, जो भी आपको क्लिनिकल, जो भी आपको यहाँ पर अंदर में इक्विपमेंट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, सबका सब नया है। तो एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि नया मेडिकल कॉलेज, तो नया सामान सब कुछ आपके लिए यूज करने के लिए मिलता है आपको, तो ये भी बेनिफिट है। और बेनिफिट और बिना बेनिफिट क्या क्या है मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से जरूर क्वारी करना। बाकी चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई और बहन लोग कि चैनल के रिक्वेस्ट बाकी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और कोई डाउट्स हो भैया से जरूर अपना डाउट से क्लियर करिए, बाकी मिलेगा दूसरा वीडियो में। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव ऑल।